पपे को हमने अभी रैट से रेस्क्यू किया है। कल रात में एक्सीडेंट हुआ था, उसको थोड़ा सा शॉक लगा है फेस पे क्योंकि गाड़ी हिट हुई, तो अभी ये थोड़ा खाना पीना नहीं खा रहा है, बिल्कुल उठ नहीं पा रहा है, आंखें भी नहीं खोल रहा है। तो फिलहाल तो इसके हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, आज हम इसकी फ्लूइड थेरेपी शुरू करेंगे। आप में से जो बेटी जी फैंस हैं, आपके लिए ये बेटी जी धूप का मजा लेती हुई कुछ खास ही करती नहीं है जिंदगी में ये। ओह माय गॉड, इसको पता चल गया, सॉरी बेटी जी। मेरे इस तरफ है ज्योति के साथ सूरजमुखी भाई साहब। सूरजमुखी जी अडॉप्शन के लिए तैयार है। और मेरे उस तरफ है प्लूटो भाई साहब सलोनी जी के साथ, और प्लूटो जी भी अडॉप्शन के लिए अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो आप इन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, सूरजमुखी का क्या है ना, ये हेलो भी करता है। सूरजमुखी हेलो करो, बेइज्जती मत करवाओ मेरी, चलो सूरजमुखी। वेरी गुड। आज हमारी टीम डॉक्टर रजत और रविंदर जी आइवरमेक्टिन ड्राइव के लिए जा रहे हैं। हम मैक्लोड तक का पूरा रास्ता कवर करने वाले हैं, जहां हम जो भी डॉग्स जिनको स्किन इशू या टिक्स वगैरह का प्रॉब्लम होगा उनको बिस्किट्स में आइवरमेक्टिन सिरप डाल के देंगे, जो कि प्रॉपर डोज के साथ होगा। ये चीज़ हम अगले हफ्ते और उसके अगले हफ्ते भी दोबारा रिपीट करने वाले हैं, ताकि उनको प्रॉपर मेडिकेशन कम्प्लीट मिल सके और ये जो इनका इशू है मेंज का, वो वहीं उसी एरिया में ठीक से कंप्लीट हो सके। कल आप लोगों ने बेटे जी को बांध के क्यों रखा उधर? हर किसी के पास जाके सींग मारना, कुछ ना कुछ अजीब हरकतें करने लग गई थी, जिससे कि थोड़ा बहुत काम करने में परेशानी आ रही थी। बार बार बेटी जी के ऊपर ध्यान रखना पड़ रहा था। हीट पीरियड के दौरान ऐसे चेंजेस दिखते हैं, स्पेशली फीमेल गोट्स में जैसे बिहेवियर चेंज होता है, तो ये बार बार मेल गोट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो हमें मेटिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी इसको बांध के रखना पड़ा था। सर्दियों में जो हमारे लार्ज एनिमल्स हैं उनके लिए हम लोग उनके शेड के अंदर पराल बिछाते हैं, तो ये पराल अभी तो धूप में सूख रही है और उसके बाद इसको कलेक्ट किया जाएगा शाम के समय। जो हमारा काउ शेड है अंदर, वहाँ पे ये पराल बिछाई जाएगी कि हमारे जो गाय हैं, बैल हैं, बछड़े जितने भी हैं उनको थोड़ा सा कोजी एरिया मिले सोने के लिए। हमें ये डोनेशन आया, जैसे हमने यूज बुक का स्टार्ट किया था वैसे ही हमने अभी अपना थ्रिफ्ट स्टोर भी स्टार्ट किया, जहाँ पे लोग अपने पुराने कपड़े भी बेच सकते हैं। पहले हमारा आइडिया था कि हम सिर्फ टी शर्ट्स करेंगे, लेकिन लोग हर तरह के अच्छे अच्छे चीज़ें भेजें, जैसे हम इतने सारे विंटर्स के लिए सॉक्स और ग्लव्स आए हैं। वेरी सून हम इन्हें हमारे वेबसाइट पर लिस्ट कर देंगे, जिसका URL है thrift.peoplefarm.org। आज हमारे पीपल फार्म में खूब सारे वॉलंटियर्स आए हैं दूर दूर से। मेरा नाम अर्जुन है और मैं केरला से। मैं सौम्य हूँ, मैं दमन से हूँ। मैं कुणाल हूँ और मैं भी दमन से हूँ। मैं शशांक हूँ और मैं भी दमन से। और शशांक जो हमारे यहाँ पे आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट प्रिया, उनके ब्रदर भी है। आज हम फार्मिंग कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर अंडर प्रतीक, एंड वो हमें पूरा सब गाइड करे कि हाउ टू डू एवरीथिंग। तो प्रतीक भाई खूब काम करा रहे हैं आपसे। इन तीन पपीज को रजौल से दिलीप जी लेकर आए हैं, वहाँ पे किसी ने इन पपीज को बैग में डाल के छोड़ दिया हुआ था। उन्होंने बहुत कोशिश की इनका ध्यान रखने के लिए, क्योंकि वो एक वर्किंग पर्सन है, वो प्रॉपरली इनको फीड नहीं कर पा रहे थे टाइम से, क्योंकि वो सुबह से शाम तक वहाँ होते नहीं है, और इनको स्किन में भी कुछ इश्यूज आने लगे थे। वो रेडी थे ट्रीट ऑन स्ट्रीट वगैरह के लिए भी, बट क्योंकि वो वहाँ पे मेन रोड के साइड में ही थे, सरवाइव नहीं कर पाते। और अभी हमारे अडॉप्शंस भी थोड़े से हो रहे हैं, पपीज के लिए जगह बन रही है, इस वजह से हमने इनको यहाँ पे शिफ्ट करवाया है। ज़्यादातर लोग हमसे मेल पपीज के बारे में पूछते हैं या मेल डॉग्स के लिए पूछते हैं, और फीमेल्स को फॉर सम रीज़न वो लोग प्रेफर नहीं करते अडॉप्ट करना। अगर उनका रीज़न ये है कि वो बच्चे देगी या फिर वो हीट में आएगी, तो उसका एक सोल्यूशन है जो कि है स्टेरिलाइजेशन। तो वो कराने से आपकी जो फीमेल डॉग है वो हीट पर नहीं आएगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी, ऊपर से उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी, आगे बीमारियां से बचेगी। सनम जी ने अखरोट के लिए एक कस्टमाइज बेल्ट भेजी है, जो कि एक बहुत स्पेशल गिफ्ट है इसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस। भाई साहब जब हमारे पास आया था, तब उसके पैर में एक बहुत ज़्यादा बड़ा वुंड था एक कड़े की वजह से, अब वो घाव बना रहा, और पट्टी करने के बाद जब चेंज नहीं हुई तो घाव सड़ गया था। हमें डाउट भी था कि शायद एम्पुटेशन भी करना पड़ सकता है, लेकिन इसका काफी स्पीडी रिकवरी हो रहा है, पेन भी नहीं है, स्वेलिंग भी नहीं है, दो तीन हफ्ते में कम्प्लीटली रिकवर हो जाएगा। हील होने के बाद हम कोशिश करेंगे कि इसकी कैस्ट्रेशन हो जाए। कैस्ट्रेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसकी हेल्थ कंडीशन भी इम्प्रूव हो, एग्रेसिव नेचर थोड़ा सा कंट्रोल होगा, और साथ ही साथ जो बेटी जी और इसके साथ थोड़ी फाइट जो होती है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी। हमारे फार्म पर एक और वॉलंटियर आए हैं बॉम्बे से। हाय ऋषभ। हाय।
ऋषभ हमारे साथ रिमोटली भी बहुत समय से वॉलंटियर करते हैं। जो आप हमारी वीडियोस देखते हैं उसकी जो सबटाइटलिंग होती है वो सारा काम ऋषभ करते हैं। मैंने यहाँ आके कमर तोड़ दी तो मैं फार्म पे काम नहीं कर सकता, तो मैं डॉग्स को वॉक पे लेके जा रहा हूँ। जब मेरी कमर ठीक हो जाएगी फिर मैं फार्म पे काम करना शुरू करूंगा। और ऋषभ जो है वो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी से रिजेंबल भी करते हैं। तो अगर आपको सही जवाब पता है तो हमें कमेंट्स में बताइए। आज हम चरणदास भाई साहब की हूफ की ट्रिमिंग कर रहे हैं। इसके एक जॉइंट में काफी ज्यादा स्टिफनेस है, हूफ ट्रिमिंग करने से इसका जॉइंट थोड़ा सा स्टेबल रहेगा और बाकी जो पैर हैं वो भी काफी स्टेबल रहेंगे। इन फ्यूचर इसके जॉइंट इश्यूज बढ़ेंगे। ये प्यारा सा बच्चा हमें हमारे गांव में ही मिला, हमें पता चला कि ये अबैंडन्ड है, तो इसे हमने अंदर लाया क्लिनिक में, इसकी हमने न्यूट्रिंग की सर्जरी करा दी है और ये फिलहाल कम्प्लीटली रिकवर्ड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इसे रिलीज भी करना पड़ जाएगा। तो अगर आप में से कोई इसको एक घर दे सकता है तो प्लीज हमें कॉल करिए हमारे अडॉप्शन नंबर पे। हमें एक फोन आया था पराई करके एक जगह है जहाँ पे एक डॉग का जो पेट वाला हिस्सा है वो वायर ट्रैप में फंसा था। घाव होते उसको तो हम उसे यहाँ शिफ्ट भी करते, लेकिन लकीली उसको कोई भी घाव नहीं था, उसका वायर ट्रैप है वो भी निकाल दिया और इसलिए वो सक्सेसफुली हमारा एक रेस्क्यू वहीं पे हो गया था। और इसलिए ज्योति के चेहरे पे एक खूबसूरत मुस्कान है। डमरू को हमने चंबई से रेस्क्यू किया था, तब उसके पेट में हर्निया का इशू था। जब हमने इसे अल्ट्रासाउंड के लिए पालमपुर भेजा था तो उसी दिन वहाँ डॉक्टर्स ने इसकी सर्जरी कर दी थी। रिकवरी काफी अच्छी हुई है, उसका सूचर आज ओपन कर सकते हैं। अगर सूचर ओपन करने के बाद उसमें स्कैब्स रहे तो फिर हमें ऐसे कुछ दिन और रखना होगा, अदरवाइज हम इसे रिलीज कर सकते हैं। सहारा का हर्निया की सर्जरी की हुई थी जो कि बहुत अच्छी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खुरली में गिरी थी तो इसकी दोबारा से हर्निएशन हो गई है उसी जगह से। कुछ टाइम में हमें इसे रीऑपरेट करना पड़ेगा। इस हफ्ते का कुछ अपडेट्स है क्या? कोशिश तो बहुत की थी हमने रेस्क्यूज वगैरह की भी, लेकिन हर केस इस बार हमारा थोड़ा सा फेल रहा। डॉग्स पकड़ में नहीं आए, भाग गए, तो इस बार ज़्यादा अपडेट है नहीं हमारे पास। प्रियंका, आरती के यहाँ पे फॉस्टर हो रही है, हमारे पास स्पेस प्रॉब्लम्स हो रही थी इसलिए आरती ने हमें सजेस्ट किया कि वो फॉस्टर कर लेगी उसे, और लकीली वो अडॉप्ट भी हो चुकी है और उसके अडॉप्टर्स फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आएंगे, तो तब तक वो आरती के यहाँ पे रहने वाली है। इस हफ्ते हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे सोलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, प्लम्बिंग भी ऑलमोस्ट होने वाली है, हमारे आउटर पाइप्स लग रही है और इस स्टेज पे दो चीज़ें चल रही है, हमारा काउशेड का लाइन आउट चल रहा है एंड आज हमारे हॉस्पिटल की वॉल्स की चुनाई शुरू हो गई है। ये हमारे हॉस्पिटल के लार्ज एनिमल का सेक्शन है ये, और ये उनके सर्जरी रूम्स का और कॉरिडोर्स का पार्ट है। शमशेर भाई साहब जो है हमारे बुल, ये आए थे हमारे पास घरों से, इनका जो पिछली एक टांग है उसके ऊपर एक ओपन वुंड था। तो हम इसको जब लेके आए थे तो उसके बोन दिखाई दे रही थी, अब सारा कवर हो चुका है, बस किनारे बाकी रह गई है, लेकिन फिलहाल हम ड्रेसिंग कंटिन्यू रख रहे हैं ताकि इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। हमारा जो पीपल फार्म प्रोडक्ट्स है वो एनिमल्स को कैसे हेल्प करता है, जो यहाँ पे काम होता है उसके बारे में लोगों को बता पाते हैं, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स का जो मैसेज है वो अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों तक पहुँचाते हैं। लास्ट ईयर जो भी हमने प्रोडक्ट्स की सेल की थी उससे जो भी हमारा प्रॉफिट आया वो हमने क्लिनिक को डोनेट किया था और ये कैनल्स हमने बनवाए थे। जब भी आप हमारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं कहीं ना कहीं एनिमल्स का फायदा ही हो रहा है, सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। ये जो मैंने सुंदर से इयररिंग्स पहने हैं ये हमारी धरोटू गांव की लेडीज ने बनाए हैं पाइन नीडल से, जो चीड़ के पत्ते नीचे गिर जाते हैं उनको उठाकर उनसे ये प्यारे प्यारे इयररिंग्स बने हैं। तो अगर आपको ये अच्छे लगे हैं और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जाइए shop.peoplefarm.org पे और ये खूबसूरत से इयररिंग्स खरीद लीजिए। अभी हम चिंगारी को सर्जरी के लिए रेडी कर रहे हैं। चिंगारी का क्राउड फ्लैश जो रखा है अभी हम इस पोर्शन को कट करेंगे, अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसकी ग्रोथ एक्स्ट्रा बढ़ती जाएगी जिससे इन फ्यूचर इसमें अदर इन्फेक्शंस फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें ये कट करना जरूरी है। शिवानी और मैं आज फार्म भ्रमण पे निकले थे और मुझे ये पौधा दिखा, ये है बिच्छू बूटी, इसको अंग्रेजी में स्टिंगिंग नेटल भी बोलते हैं। तो शिवानी, ये कांटेदार पौधा हमने क्यों लगाया, हम इसे निकालते क्यों नहीं है? इसके बहुत सारे फायदे हैं प्रतिभा, हम तो इसके सर्दियों में सूप बना के पीते हैं। इसको बस निकालने के लिए थोड़ा केयरफुली निकालना पड़ता है, ग्लव्स पहन के या टोंग्स के साथ निकालिए, पर इसका सूप बहुत स्वाद होता है, मुझे तो वो पालक के सूप जैसा लगता है। और इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर आपको कोई जॉइंट पेन्स हैं, घर पे किसी को आर्थराइटिस है या एक्जिमा है तो आप इसका सूप पी सकते हैं, चाय बना के पी सकते हैं, और यहाँ तक कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है उसको भी ये ट्रीट करता है। अभी हमारा चाय टाइम हो रहा है तो हम चाय पीने जा रहे हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।